केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। जगदीप धनखड़ ने बंगाल विधानसभा चुनाव में दंगा होने की आशंका जताई। कहा 2019 के लोकसभा चुनाव के सभी चरणों में हिंसा हुई थी। बर्दवान में जेपी नड्डा ने 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। क्लॉक टावर से लॉर्ड कर्जन गेट तक हुआ रोड शो। नड्डा के रोड शो में उमड़ी बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़। रोड शो के दौरान जेपी नड्डा पर फूलों की बारिश। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी अध्यक्ष ने की रैली। जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में बीजेपी का आना और ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को निशाना साधते हुए टीएमसी को तिरपाल चोर और ममता सरकार को कट मनी वाली सरकार कहा। नड्डा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा ममता सरकार ने केंद्र की योजनाएं रोकी। 70 लाख किसानों को सम्मान निधि से वंचित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के बर्दवान में शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। कहा खिसक चुकी है दीदी की जमीन। बंगाल दौरे पर गए नड्डा ने किसान मथुरा मंडल के घर खाया खाना। कहा पीएम मोदी के साथ है देश के किसानों की आवाज। बर्दवान में जेपी नड्डा ने की गौ सेवा। नड्डा ने गायों को खिलाया चारा। पश्चिम बंगाल के कटरा में कैलाश विजयवर्गीय ने मंदिर में बजाया ढोल। विजयवर्गीय ने ढोल बजा करके बंगाल में बीजेपी के जय घोष की शुरुआत की। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर फिर बौखलाए टीएमसी नेता। सौगत राय ने जेपी नड्डा को कहे अपशब्द। बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। बंगाल एआईएमआईएम चीफ एसके अब्दुल कलाम टीएमसी में शामिल। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्री विजय एयरलाइंस का यात्री विमान हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 62 यात्री। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान को पड़ा भारी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 बंकर उड़ाए। 16 जनवरी से देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। सीबीआई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने लगवाया फ्री वाईफाई कनेक्शन। देश के दूसरे हिस्सों में बैठे किसानों से संवाद के लिए किसान नेताओं ने इंटरनेट को सही ठहराया। भोपाल में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मध्यप्रदेश के नवजात कानून की सराहना की। मध्यप्रदेश नवजात कानून का अध्यादेश लागू। जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी पर होगी 10 साल की सजा। में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। सफर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।